इस वीडियो में हम लोग बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में मान लो ये कंडक्टर है हमारे पास और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। ये बैटरी से हमने कनेक्ट किया इसको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है पहले आप जान लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन वायर में ट्रेवल करते हैं। तो अगर मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की वेलोसिटी V1 है, एक की वेलोसिटी V2 है, सभी की वेलोसिटी कुछ कुछ ना कुछ है, इन सब की वेलोसिटी का जो एवरेज होता है, वो जो एवरेज होता है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मान लो बैटरी से मैंने कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन लेफ्ट साइड होगा। तो अगर हम देखें तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ती है क्योंकि उन पर फोर्स लगता है। बैटरी का फोर्स लगता है। बैटरी हमारी ये फोर्स लगाती है, ये फील्ड लगाती है और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है। फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, बट एक्सेलरेशन के बाद इलेक्ट्रॉन फिर से टकरा जाते हैं। टकराने के बाद उनकी स्पीड फिर से रिड्यूस हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें V1 V2 हमने ले लिया, अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू A T1 प्लस सभी के लिए, क्योंकि V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, हमने पढ़ रखा है। U2 प्लस AT2 इस तरीके से UN प्लस ATN इन सब का एवरेज। एक काम करो, U1 U2 को एक साथ ले लो और बाकी जो है उसको एक साथ ले लो। ये U1 प्लस U2 प्लस UN AT1 प्लस T2 प्लस N। तो यहाँ पर एक खास बात देखने को मिलती है कि ये U1, U2, U3 इनका सम जीरो होता है, क्योंकि ये जो वेलोसिटीज हैं आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटीज हैं, ये रैंडम वेलोसिटीज हैं और इनका जो सम होगा वो जीरो होगा। तो अगर इनका सम जीरो हो जाएगा तो हम आगे एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, फिर आगे हमारे एक्सप्रेशन क्या होगा। VD इज इक्वल टू A, ये रिलेशन आ जाएगी। और इसमें भी T1 प्लस T2, ये जो रिलेशन है T1 प्लस T2 बाय N, इसे हम टाउ बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं, ये हो जाएगा A टाउ। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन, बिटवीन कॉलिजन, तो ये रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। और ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है यहाँ पे। और अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। एक्चुअली क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास यहाँ पे फिगर में आप देखो, तो उनमें फोर्स लग रहा होगा। फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलेरेशन, और एफ होता है F=QE = मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? QE/m हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो माइनस ई होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, तो क्या हो जाएगा? माइनस ई/m हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? माइनस ई/m हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरीके से ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है, आप इसे कर सकते हो।